जी स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी स्वागत है हमारा मैडम। स्पीकर हो जाएगा तो आगे मंत्री बना देंगे, आगे जो होगा जो सरकार होगी उसको भी हम देख लेंगे। आखिर लालू प्रसाद यादव कहना क्या चाहते थे ऑडियो में? देखिए अब लालू प्रसाद यादव जी तो बौखला गए, जब बिहार की जनता ने उनको सरकार बनाने से रोक दिया, जिस तरह से जुमलेबाजी किए और जिस तरह से स्थिति उन्होंने बनाई थी। प्रश्न ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी क्या कर रहे थे, प्रश्न ये है कि आज जो झारखंड में सरकार है वो क्या कर रही है। जो एक अभियुक्त हो और सारे अभियुक्त को अगर इस तरह की फैसिलिटी अगर मिल जा रही है, बाकी लोगों को उसी में रखा जा रहा है और जो टेलीफोन से बातचीत कर रहा हो, जिसके बारे में पूरी है, कोई पहली घटना तो है लालू जी की, इनकी तो घटना पुरानी है, ये तो हमेशा ही इस तरह के बातचीत करते रह गए। एक वही बीमार है क्या इसे पूरे झारखंड के कैदियों में, और लोग बीमार नहीं है क्या? तो इनकी तो आदत है और इसमें ये माहिर रहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज को सबक मिलना चाहिए कि एनडीए के जो भी एमएलए हैं वो एनडीए के प्रति वफादार हैं, उनका यहाँ गोटी नहीं लगने वाला है। और आज मनोज जी अगर वफादार है एनडीए के सारे विधायक सारे नेता वफादार हैं तो फिर डर काहे सता रहा है एनडीए को? क्यों जो सुशील कुमार मोदी वो लगातार ये कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, जो उन्होंने किया है इस चीज को जनता के सामने रखा जा रहा है। और उन्होंने अगर ये बाहर रहते हुए किया होता तो कोई बात होता, जेल के अंदर से एक कैदी कर रहा है, नियम कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है, इस बात को रखा जा रहा है तो डर किस बात का रहेगा? डर का तो यहाँ तो कोई तस्वीर नहीं है। मयंक जी मनोज दास जी कह रहे हैं कि नियम कानूनों की धज्जिया उड़ा रहे हैं आप लोग, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जेडीयू के नेता है मनोज दास जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर। इनका काम ही आरोप लगाना, आरोप में कुछ दम है? सेंट्रल जेल में व्यक्ति, एक व्यक्ति जो इलाजरत है वो अपना इलाज करा रहा है, उनको हाई लेवल क्रिएटिनिन है, शुगर है, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है वो, उन वैसे व्यक्ति पर ये राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरों को भी कोरोना से संक्रमित होने की सलाह दे रहे हैं। ये इनके पास इनके पास जो बहुमत है, ये बहुमत को काम के लिए लाना चाहिए, तो ये बहुमत में लालू फोबिया लाए हुए हैं, इनको तो अपना सत्ता बचाना है, वापस जो है कि ये जो है कि सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम का कुर्सी चाहिए, ये इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे भैया आपकी सरकार है, आपके लोगों ने आपको हटाया है, कोई लालू यादव जी ने फोन करके अमित शाह को कहा है कि सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम से हटा दीजिए? ठीक है, इनसे पूछिए ना कि क्यों हटाया डिप्टी सीएम से। ठीक है मनोज दास जी सीधा कह रहे हैं कि अंतकला की वजह से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी पर। ये तो शुक्र मना लीजिए जाके रामविलास पासवान के बेटा को पैर पकड़े कि उसके कारण यहाँ इनका जो तेजस्वी जो है जो नौमा फेल है और जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा था, बिहार की जनता ने छाती पर चढ़ कर टूट दिया और अगले बार जो है तो साफ कर देगा। अगर पीछे से पीठ में छुरा नहीं बोकता चिराग पासवान तो आज तेजस्वी मुंह भी नहीं देखते बिहार विधानसभा का। और इनको आरोप बुझा रहा है क्या? गए थे किसके घर से खरीदने के लिए अवध बिहारी चौधरी के लिए? मनोज दास जी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो तेजस्वी यादव हैं लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र नहीं होते तो वो जिस जहां तक पहुंचे हैं अभी राजनीति में वहां तक पहुंचते ही नहीं, कहीं ना कहीं जो परिवारवाद था उसका जो उन्हें फायदा मिला है राजनीति में, आप ये कहना चाहते हैं मनोज जी? मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ ना कि नौमा पास व्यक्ति को लोगों तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आरजेडी के नेता को, जो नेता बोल रहे होंगे वो भी जरूर मैट्रिक पास होंगे। और एक नौमा मयंक जी बड़ा आरोप लगाए आरजेडी पर, मतलब तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते तो राजनीति में इतनी आगे बढ़ते ही नहीं। जिनको आप जिस शख्स को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आगे चले, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जेडीयू तो उन्हें कहीं देखती ही नहीं है। लेके इधर मंत्री उधर मंत्री, देश का सब मंत्री लगा हुआ था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पीछा करने के लिए, और हम बड़ी पार्टी बन के आए और इनको अभी भी सत्ता का जो है कि लोभ लगा हुआ है और सत्ता के लालच में इस तरह की घन जो कि आपको खराब मानसिकता वाले लोग जो बिहार का बंटाधार किए हुए बिहार का उद्धार नहीं करने वाले हैं और इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। डायरेक्ट बोलिए कि हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना है, बनिए भैया, कौन रोका हुआ है आपको इस तरह का आरोप लगाना? सिन्हा जी आपकी अभी तक जो सुई है वो सुशील मोदी पर ही अटकी हुई है, मतलब यही कह रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना है इस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि सीधा आरोप तो आरजेडी पर लगा दिया है ना,
मनोज जी ने सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं पुत्र होते तो नहीं आगे बढ़ते, बढ़े इसलिए क्योंकि वो राजनीति के परिवार के क्षेत्र से आते हैं इसलिए बढ़े हैं। पंकजा मुंडे किसके पुत्र हैं जी बताइए ना, अनुराग ठाकुर किसके पुत्र हैं? इनकी बड़ा बात कर रहे हैं, अरे हम एफिडेविट पे देंगे अगर ये बीजेपी के सारे लोग निकाल दे अपने अपने वंशवाद की राजनीति, हम एफिडेविट पे देंगे। सबसे पहला राज का कोई होगा तो हम लोग देंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग देंगे, ये अपने यहाँ का पहले वंशवाद की राजनीति ये है। ठीक है मनोज जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल, जिस तरीके से मयंक सिन्हा जी ने आरोप लगाया है कि आरोप लगाने से पहले अपने खेमे में भी देख लेते हैं, आप इनसे स्वीकार करे ना कि इनका तेजस्वी चार सीटें नहीं है और बेल पर नहीं है? कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर ही चुके हैं तभी ना आप पर अब आरोप लगा दिया, कह रहे हैं कि पहले आप भी अपने खेमे में देख लीजिए जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। 15 बरस से ही आरोप लगा रहे हैं, इनका बाप भी तेजस्वी के बाबूजी भी आरोप लगाते लगाते जेल में सर रहे हैं और ये भी अब आरोप लगाते लगाते जेल जाने के कगार पर है। जनता और कानून कभी इनको माफ करने वाली है? यहाँ पर बलात्कार के आरोपी सबको टिकट दे रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर चले सिखा रहे हैं, चले न आवे तो अंगना टेढ़ वाली बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है मयंक सिन्हा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, स्पीकर हमारा होगा तो आगे हम सरकार को भी देख लेंगे, जो ऑडियो में कहा गया है आखिर कहना क्या चाहते थे लालू प्रसाद यादव जी? कुत्ते अस्पताल में सो रहे हैं, आईसीयू में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे, दवाई नहीं है, कमाई नहीं है, कमाल की बात है। वायरल ऑडियो में लालू प्रसाद यादव ने भी इन बातों की बात नहीं की, आपको पता है मयंक सिन्हा जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना से संक्रमित हो जाइए, जिस वक्त कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, देश जूझ रहा है, तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है, लोग परेशान हो रहे हैं, वैक्सीन अभी बनी नहीं है, तो इसका जिक्र तो लालू प्रसाद यादव के ऑडियो वायरल ऑडियो में भी नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरजेडी नेता मयंक सिन्हा, जेडीयू नेता मनोज दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे।